हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंजना। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए कुकीज़ की रेसिपी लाई हूं। बेकरी जैसा कुकीज़ आप अपने घर में बना सकते हैं। इसे बनाने का आज मैं बहुत सिंपल तरीका बताने वाली हूं। कम समय में आसानी से बन जाती है। वीडियो के एंड तक बने रहे और मुझे कमेंट में बताएं कि कैसी बनी है रेसिपी। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है मैदा। आप चाहे तो आटा भी यूज कर सकते हैं, पिसी हुई चीनी, रिफाइंड ऑयल, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा। अगर आपके पास बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा ना हो तो आप इनो भी यूज कर सकते हैं। अजवाइन, जीरा और आलमंड लिया है मैंने। यहाँ एक मिक्सिंग बॉल लिया है। अब इसमें छलनी रख लेंगे, मैदा ऐड करेंगे, पिसी हुई चीनी ऐड कर लेंगे और इन दोनों को अच्छे तरीके से छान लेंगे। इन्हें हटा लेंगे। अब इनमें बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और नमक ऐड कर लेंगे और इन सभी को अच्छे से मिला लेंगे। रिफाइंड ऑयल ऐड कर लेंगे। आप चाहे तो बटर यूज कर सकते हैं या फिर घी भी यूज कर सकते हैं। इन सभी को अच्छे से मिला लेंगे। अच्छे से मिल चुका है। अब इन्हें हाथों की सहायता से अच्छे से मिला लेंगे। हल्के हाथों से मिलाएं। डो बनकर बिल्कुल तैयार है। डो का हाफ पोर्शन ले लेंगे और इन्हें हाथों की सहायता से फैला लेंगे। बेलन की सहायता से फैला लेंगे। ध्यान रहे, इन्हें पतला नहीं करना है, थोड़ा मोटा ही रखना है। मैंने यहाँ एक ढक्कन लिया है जिसकी सहायता से इन्हें काट लेंगे। अगर आपके पास कुकी कटर हो तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। एक्स्ट्रा डो को हटा लेंगे। अब इन्हें इस प्लेट में रखते जाएंगे। आप इन्हें इस तरीके से भी बना सकते हैं, थोड़ा सा डो लेकर इन्हें अच्छे से फैला लेंगे और कुकी शेप में बना लेंगे। आपको दोनों में से जो भी तरीका पसंद आया हो उस तरीके से आप बना सकते हैं। मैं यहाँ राउंड शेप में बना रही हूँ। आप चाहे तो इसे स्क्वायर शेप में बना सकते हैं, हार्ट शेप में बना सकते हैं, आपकी जैसी पसंद। इसी तरीके से सभी को तैयार कर लेंगे। अब इनके ऊपर अजवाइन ऐड कर लेंगे। बाकी में जीरा ऐड करेंगे। अब इनमें आलमंड ऐड कर लेंगे। आप चाहे तो इसमें काजू, पिस्ता, चेरी, आपको जो पसंद हो आप वो ऐड कर सकते हैं। मैंने इस तरीके से सभी को तैयार कर लिया है। चलिए अब इन्हें बेक कर लेते हैं। मैंने यहाँ एक प्लेट लिया है। अब इनमें रिफाइंड ऑयल ग्रीस कर लेंगे, बटर पेपर ऐड कर लेंगे और इनके ऊपर भी ऑयल ग्रीस कर लेंगे। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो आप केवल ऑयल ग्रीस कर सकते हैं।
अब इनमें तैयार किया हुआ कुकीज ऐड करेंगे। इन्हें ध्यान से रखें, डेलिकेट होते हैं, टूट सकते हैं। मैंने यहाँ एक कढ़ाई लिया है, अब इनमें सैंड ऐड कर लेंगे। अगर आपके पास सैंड ना हो तो आप सॉल्ट ऐड कर सकते हैं। इन्हें अच्छे से फैला लेंगे। स्टैंड रख लेंगे, ढककर लगभग 5 मिनट तक हाई फ्लेम में प्रीहीट कर लेंगे। पांच मिनट हो चुका है, कुकी ट्रे ऐड कर लेंगे। ढककर लगभग 10 से 15 मिनट तक धीमी आंच में पकने देंगे। 10 मिनट हो चुका है, चेक कर लेते हैं। इन्हें थोड़ी देर और पकने देंगे। पंद्रह मिनट हो चुका है, आप देख सकते हैं इनका कलर चेंज हो गया है। गैस ऑफ कर ले और इन्हें इनसे हटा ले, वरना ओवर कुक हो सकती है। कुकी बनकर बिल्कुल तैयार है। अब इन्हें अच्छे से ठंडा होने देंगे। बेकरी जैसी क्रंची और टेस्टी कुकी बनकर बिल्कुल तैयार है। आप इस रेसिपी को घर पर बनाएं और मुझे अपना फीडबैक कमेंट के थ्रू बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपकमिंग वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि मेरी जो भी नई रेसिपीज आए आप तक आसानी से पहुंच सके।